तो वी आर रेडी, सो आर यू। समझ में आया? पॉइंट नंबर वन, कभी भी आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा। तुम और हम, टीचर्स, पीडब्ल्यू एंड आप लोग, वी आर ऑल टूगेदर इन दिस। दोनों एक साथ है, ध्यान रखिएगा। जैसा कि पहले भी बोल चुका हूँ, फिर बोलूंगा, आज सिर्फ और सिर्फ उन 3 घंटे के लिए तुम्हें अकेला छोड़ा जाएगा जब तुम अंदर जाओगे पेपर देने। डरना क्यों है? क्यों क्या डर लग रहा है सर? हम अपनी तैयारी जो है ना, इतने प्रचंड रूप से करने वाले हैं कि जेई मेंस 15 जनवरी को अगर मान लो होता है, मिड जनवरी, मैं एग्जैक्टली 15 जनवरी बोल दे रहा हूँ, उससे ऑब्वियसली डेट्स थोड़ी वेरी करेंगी क्योंकि अभी ऑफिशियल डेट नहीं आई है। जो इन्फॉर्मेशन अभी नेट पे फ्लोट कर रही है वो भी ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई है, सोर्सेज से ये पता चला है। एनटीए का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, ठीक है। नवंबर के 3rd वीक में फॉर्म निकाला जाएगा और उसके बाद में आपका मिड जनवरी में पेपर होगा। हम अपना पूरा अपने आप को झोंक देंगे फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट, सारी तैयारी करके जाएंगे फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट। अब उस फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी में थोड़ी बहुत जो कमी पेशी रहेगी उसके बाद में प्लस एड ऑन प्रैक्टिस वो हम करेंगे फॉर सेकेंड अटेम्प्ट। हम कभी भी अपने आप को ना ही ये सोच के या फिर ये दिलासा देकर जाना कि भैया सेकेंड अटेम्प्ट देख लेंगे अपने, तो नहीं जी, हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करेंगे जो करने हैं। समझ में आया? एटीट्यूड ये रखिए कि मान लो कि बस एक ही पेपर होता है पुराने टाइम के हिसाब से, जैसा जेईई मेंस में होता था, एक ही अटेम्प्ट, हम उसी हिसाब से मानेंगे। अब सर उसमें कुछ प्लस माइनस रहा, थोड़ी बहुत हमसे एरर हुए, तो इसका लॉजिक भी यही है, पोस्ट एंड प्री बोर्ड्स। समझ में आया? बोर्ड से पहले और बोर्ड्स के बाद में, कि थोड़ा बहुत आपका कुछ अगर कमी पेशी है तो उसको पूरा कर लो भाई, आपको पूरा ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं। तो वी विल बी टारगेटिंग फर्स्ट अटेम्प्ट विद फुल एनर्जी, फुल डेडिकेशन, फुल मोटिवेशन एंड फुल प्रिपरेशन। हाँ, ये सब बातें अब मत लिखिए, मंजिल, क्रैश कोर्स। जब भी आप अपने आप को सेकंड होप देते हैं ना, तो फिर आपका अंदर से ना काम करने का मन कम हो जाता है। तो अपने आप को सेकंड होप मत दीजिए, प्लीज सेकंड होप मत दीजिए कि मैं सेकंड अटेम्प्ट में अच्छा कर लूंगा, मंजिल आएगी वहां से पढ़ लूंगा, क्रैश कोर्स आएगा वो खरीद लूंगा। क्यों, काहे का क्रैश कोर्स? ये क्या है भाई, तुम्हें जब रिवीजन करवाई जाएगी तो क्रैश कोर्स का क्या करेगा? ज्यादा पैसे हो रहे हैं, कुछ भी हो जाए, अगर मैं नहीं सेलेक्ट होऊंगा तो होगा कौन? ये एटीट्यूड रखिए एंड द फाइनल लैब बिगिंस। अब जो